नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में हमारे पास मोबाइल एसेसरीज से संबंधित जो भी आइटम्स है देख रहे हैं, तो आज मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इस मोबाइल एसेसरीज की बिजनेस के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूँगा, ताकि आप लोग भी अपना बिजनेस छोटे मोटे या बड़े लेवल पर भी करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली। तो मेरे मामा जी का भी ये एसेसरीज का बिजनेस है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे इकलौता मामा जी। तो मामा जी, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, मैं तो जानता ही हूँ, मेरे व्यूवर्स नहीं जानते हैं आपके बारे में, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद कसमुद्दीन, मेरा शॉप का नाम एच डी वर्ल्ड बुक किया है। मैं गाँव लेवल में भी रह के अपनी इस दुकान से अपने घर परिवार को चलाकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ और काफ़ी खुशी महसूस करता हूँ। और कम बजट में अगर कोई भाई अगर गांव लेवल पर इस प्रकार का अगर बिजनेस करना चाहता है तो कम बजट में भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये आपसे सवाल करूँगा कि आप ये दुकान कब डाले हुए थे? मैं दुकान 2016 में मैं डाला था इस दुकान को। अच्छा, दुकान 2016 में डाले, उससे पहले कुछ इसके बारे में अनुभव था? थोड़ी बहुत अनुभव था। अच्छा। मैंने वेब वर्ल्ड क्लासेस ज्वाइन करके मैं कुछ रिपेयरिंग के बारे में अनुभव लिया था। अच्छा। और स्पेयर पार्ट के बारे में कुछ नॉलेज पहले से था। अच्छा, तो थोड़ा बहुत अनुभव मामा जी लिए हुए थे इस बिजनेस के बारे में और एसेसरीज के बारे में भी पहले से इनको अनुभव था। तो अच्छा, मैं ये सवाल करूँगा मामा जी कि आप शुरुआती दौर में इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किए हुए थे? मैं शुरुआती दौर में इसको 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था। अच्छा, यानी कि 2016 में आप 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस स्टार्ट किए हुए थे। तो आज हम इसकी नेटवर्थ अगर बात करें तो आज लगभग लगभग तकरीबन कितने का इसका मतलब नेटवर्थ होगा? 1.5 से 2 लाख रुपये का है ना। अच्छा, अभी सभी सामान है। अच्छा, तो इसमें मैं सामानों की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हुआ है दुकान, 1.5 से 2 लाख रुपए का इसमें अभी सामान है। और इसमें और कोई एक्स्ट्रा लगानी किए हुए थे या केवल वही 10,000 को प्लस करते चले गए? उसी 10,000 को मैं इसी में प्लस करते गया। अच्छा, और आगे हमें इसे। अच्छा, तो मामा जी का कहना है कि वो जो 10,000 रुपए से जो स्टार्टिंग हुआ था इस दुकान का, तो 10,000 रुपए से अपना थोड़े बहुत जो भी पॉकेट खर्च होते थे वो पॉकेट खर्च उन्होंने मेंटेन किया और जो भी प्रॉफिट होता था उसमें प्लस करते गया करते गया। तो आज तकरीबन 5 साल हो गए और 5 साल में इसकी नेटवर्थ अगर हम बात करें तो ये 2 लाख रुपए तकरीबन माने जाएंगे, जिसमें आप इन्वर्टर्स वगैरह भी देख सकते हैं, इन्वर्टर्स भी है और लैपटॉप प्रिंटर वगैरह भी प्लस करते चले गए हैं। तो अब मेरा ये अगला सवाल ये रहेगा कि अगर कोई बंदा इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो कितने का इन्वेस्टमेंट उसको ज़रूरी होगा? वो अपना कम से कम 10,000 रुपये से स्टार्ट करे। अच्छा। ताकि गांव लेवल पर सभी मेल थोड़ा थोड़ा रखना। अच्छा। एकदम ज़रूरी है। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को क्लियर करूँगा कि यहाँ पर ये जो एसेसरीज का जो डिमांड रहता है वो लेटेस्ट मॉडल का ही रहता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग जो भी मार्केट में लेटेस्ट मॉडल के हैंडसेट्स वगैरह आए हुए हैं वो सभी का जो वेराइटी होता है, जैसे कि आप कवर ले सकते हैं, उसके चार्जर्स वगैरह ले सकते हैं और टेम्पर्ड ग्लास जो होता है वो टेम्पर ग्लास वगैरह ले सकते हैं, और जो एयरफोन तो है लगभग लगभग सभी में 3.5 mm का जैक लग जाता है। तो एयरफोन का जो वेराइटी होता है सस्ता क्वालिटी का और मीडियम क्वालिटी का और हाई रेंज का, ये तीनों आप लोग मेंटेन करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो माल परचेजिंग होता है ये कहाँ से करें अपने बंदे, यानी कि नज़दीकी शहर से करें या डायरेक्ट दिल्ली जा कर के दिल्ली से माल लेकर के आवे? अगर आप कितना इन्वेस्ट करते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अगर ज़्यादा बजट है तो आप डायरेक्ट दिल्ली से ले सकते हैं। अच्छा। नहीं तो कम बजट है तो आप नज़दीकी मार्केट से खरीदने से ये फ़ायदा आपको होगा कि जो रिप्लेस आइटम होता है उसको दूरी नहीं ले जाकर आप उसको नज़दीकी शहर से ही आप अपना ले सकते हैं। अच्छा, ये जो भी गारंटी वाला डाटा या चार्जर होता है जी जी, उसको अगर कम बजट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप दिल्ली तो वापस करने नहीं जाएंगे एक दो पीस जी। तो इसके लिए जो है ना, आप नज़दीकी अपने शहर के हिसाब से होलसेल देखिए। अच्छा। और उससे ही लीजिए। हाँ, यहाँ पर 2 या 3 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ता होगा हमारे अंदाज से। आपको दिल्ली जाना और आना ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपने नज़दीकी शहर से यदि कोई सामान परचेजिंग करते हैं तो ये आइटम क्या होता है कि ज़्यादातर इसमें रिप्लेसमेंट वाला जो झंझट होता है, आप मान के चलिए कोई चार्जर आप बेच रहे हैं, वो चार्जर का मतलब
6 महीने का वारंटी है। अगर वो चौथा या पांचवा महीने में अगर बिगड़ जाता है और कस्टमर आपके दुकान पर लेकर के आता है, तो आप वो एक चार्जर के लिए दिल्ली तो नहीं जाएंगे। अगर आपके नज़दीक के शहर का होगा तो आप एक या दो दिन उसको वेट करा करके, या हो सकता है आपके पास कुछ स्टॉक है तो वो दे करके आप कल होकर वहाँ से माल रिप्लेस करवा सकते हैं। ये होगा आपका बेनिफिट लोकल मार्केट में सामान लेने का। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि नया दुकानदार अगर कोई है तो शुरुआती में उनको क्या क्या आइटम मेंटेन करने होते हैं ताकि उनका ज़्यादा लॉस नहीं जाए और दुकान फर्स्ट डे से ही अपना पिकअप पकड़ ले। तो वैसे कौन कौन से आइटम्स हैं मामा जी, थोड़ा सा दिखा दीजिए। नए दुकानदार हैं, जो दुकानदार बनने वाले हैं, वो शुरू में क्या क्या रखें? शुरुआती दौर में देखिए, जैसे कि ये कार डीलर है जी, आप अपने दुकान में भी डाउनलोडिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग अभी ट्रैक्टर ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर, इन लोगों का भी जरूरत होता है। अच्छा। तो ये रखना एकदम जरूरी है जी। तो अगला वैरायटी आप ईयरफोन का क्वालिटी वगैरह भी रख सकते हैं। अच्छा। ये जो है ना, गाँव लेवल पर भी बढ़िया सेल होता है जी। और उसके बाद आप चार्जर रखें। अच्छा। चार्जर में आप अपने हिसाब से जो गांव में कम बजट में अच्छा डिफरेंस के साथ हो जी। उसके बाद डाटा केबल हो गया। अच्छा। डाटा केबल भी आप थोड़ा थोड़ा ही रखें, सभी क्वालिटी इसमें टाइप सी भी आते हैं क्योंकि अब गांव लेवल पर भी लोग टाइप सी मोबाइल यूज करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। तो आप डाटा केबल 3500 और टाइप सी दोनों रखें ताकि कस्टमर रिटर्न ना हो। और मैं बात करूँ छोटे मोबाइलों की, तो ये गांव के लोग कीपैड वाला मोबाइल जो है ना जी यूज करते हैं जी। तो आप कीपैड वाला मोबाइल रखें। अच्छा। थोड़ा थोड़ा हर कंपनी का। अच्छा। और जैसे कि ये मान लीजिए कि आईटेल का ये 2163 मॉडल है जी, आप इसको 850 रुपए में आप सेल कर सकते हैं जी। और ये लावा मोबाइल है, आप इसको भी एक पीस रखे, चूंकि ये भी कंपनी अच्छी है जी, तो गाँव में दिखाने के लिए अच्छा रहेगा। और मैं बात करूँ सस्ते फोनों का, ये आपको 550 रुपए का फोन है जी, चाइनीज है जी। आप इस तरह का भी रखेंगे तो कस्टमर देखेंगे जी, और समझेंगे जी कि यहाँ पर सस्ता मिलता है। हाँ, मतलब दोनों में कंपेयर करके आदमी को दिखा दीजिए कि ताकि ग्राहक संतुष्ट हो जाए जी, कि अगर हम सिटी लेवल में आते तो वहाँ 550 का भी मोबाइल मिलता है जी। वो चीज कन्फ्यूजन उसका दूर हो जाए। दोनों में अपना बजट के हिसाब से देख लेगा। ये माइक्रोमैक्स है, ये भी कंपनी बहुत अच्छी है, ये 850 रुपए प्राइस है जी। इस हिसाब का आप गांव लेवल पर 1000 के अंदर में मोबाइल रखे ताकि लोग आसानी से खरीद सके। तो आप एसेसरीज का एक लिस्ट बना लीजिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर मतलब क्या क्या मिस हो रहा है। मैं सब चीज़ कवर नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से क्या क्या जरूरियात के चीज़ होते हैं। तो मोबाइल एसेसरीज बिजनेस के हवाले से आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो मोबाइल एसेसरीज के बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं मामा जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगा। अच्छे होलसेलर्स आप लोगों को नहीं मिलते हैं तो आप हमारे मामा जी से भी ले सकते हैं, ये होलसेल रेट में आप लोगों को सामान उपलब्ध करवा देंगे। बशर्ते यहाँ पर हमने बात की है तो आपको डिलीवरी की सुविधा नहीं मिलती है, सामान खुद आकर के पिक करना होगा यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।